महुआ अनुमंडल अस्पताल में कोरोना को लेकर 2 बेडों वाले आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जिसमें संदिग्ध कोरोना के मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसके लिए व्यापक प्रबंध भी किए गए हैं। इस आइसोलेशन वार्ड में सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध होगी। संदिग्ध कोरोना के मरीजों के लिए 21 प्रकार की दवा उपलब्ध कराई गई है। वहीं अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार ने बताया कि किसी भी प्रकार के आपको दिक्कत होती है तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र में आकर जांच करावे। वहीं उन्होंने लोगों से भीड़ वाले जगह पर न जाने एवं समय समय पर हाथ धोने तथा स्वच्छता अपनाने की अपील की है। जो हम लोग का एक हॉस्पिटल में आइसोलेशन तैयार कर लिया गया है और जो भी गाइडलाइन के हिसाब से दवा हम लोग अपने RBS के टीम से पंचायत पंचायत में जाके कोरोना वायरस पे जागरूकता अभियान छोटे से समूह में, बहुत ज़्यादा समूह में नहीं, छोटे से समूह में पंचायत पंचायत लेवल पे भी कर रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग जब इतना प्रभाव नहीं था कोरोना वायरस का, तब भी हम लोग एक जागरूकता अभियान बहुत अच्छा यहाँ से संपादित किए थे। तो वो भी है, लोगों का सहयोग भी मिल रहा है, लोग जागरूक भी हैं, लेकिन ये एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा भय है हम लोग का OPD जो है उसमें बहुत ज़्यादा ओवरक्राउडिंग हो जाता है, वो एक हम लोग के लिए चिंता का विषय है। और हम लोग जो भी हैं सब लोग मास्क लगा के और हर आधे घंटे पे हाथ धो हैंड वॉश करके हम लोग उस प्रयास करते हैं कि हम लोग भी सुरक्षित रहें। अभी तक सर कोई केस आया नहीं है? नहीं, अभी तक कोई केस, कोई सस्पेक्टेड केस भी नहीं है। और प्रारंभिक लक्षण से इसमें कुछ अंतर भी नहीं किया जा सकता।